शिनचैन चौप यार, जल्दी से आ जाओ। और कितना टाइम खाओगे? तुम लोग आ रहे हो कि मैं अकेला चला जाऊँ? अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया, हम लोग आ रहे हैं, हमें छोड़ के मत जाना। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम लोग अगर इतना लेट करोगे तो मैं क्या करूँ? अरे क्या करूँ फ्रैंकलिन भैया, मुझे अचानक से काम याद आ गया था, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। सुबह सुबह तुझे क्या काम था? और अगर था भी तो थोड़ा जल्दी करना चाहिए ना, जब पता ही है कि बाहर जाना है। अरे इसे कोई काम नहीं था, ये पॉटी करने के लिए गया था। अबे यार तेरा क्या करूँ मैं, तुझे जाते टाइम ही याद आता है। अरे ये सब छोड़ो, हम लोग क्यों फालतू की बहस में टाइम जाया कर रहे हैं, वैसे भी लेट हो चुके हैं। आपकी मेहरबानी है, लेट तो होंगे ही, अब जल्दी से चलो यार, गाड़ी में बैठो, अगली बार ऐसा हुआ ना तो तुम लोग देख लेना। अरे यार अभी तो छोड़ दो। वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपने रोबोट को तैयार रखो। वैसे फ्रैंकलिन भैया क्या बोलते हो, आज बीच पर भीड़ होगी या नहीं? तो आप यार ये कोई पूछने की बात है, आज तो 100% होगी। अरे हाँ आज संडे है ना, मैं तो भूल ही गया था। तुम लोग बस इतना शुक्र मनाओ कि अपना दिन अच्छे से जाए, वैसे भी लेट कर चुके हो, अगर थोड़ा जल्दी जाते ना तो वहाँ पर अच्छी खासी जगह भी मिलती। अरे पर मुझे तो तगड़ी भूख लग रही है। हाँ तो हम लोग पहले जाके खाएंगे ही, उसके बाद घूमेंगे। चलो गाइस फाइनली पहुँच गए, अब जल्दी से उतरो, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, एकदम पेट भर के खाऊंगा। अबे यार ये क्या, यहाँ तो लाइन लगी हुई है, और पता नहीं अचानक से क्या हो गया है, एकदम जोर से सुसु आ गया है। अब लाइन में लगू के सुसु जाकर आऊ, क्या करूँ? देखा, इसलिए मैं घर पर पॉटी जाके आया, ताकि अभी मेरे साथ ऐसा ना हो। शिनचैन पॉटी मैं भी गया था, पर सुसु तो किसी टाइम भी आ जाता है। हाँ तो मुँह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी से करके आओ। 2 मिनट रुको, मैं अभी जाकर आता हूँ। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं, मुझे तो डर है कि अंदर ना हो जाए यार। अरे यार चौप, पता नहीं फ्रैंकलिन भैया कब आएंगे। मैं तो बोलता हूँ हम लोग ही लाइन में लग जाते हैं, ताकि वो आए तब तक अपना नंबर भी आ जाए। अरे हाँ ये एकदम सही रहेगा, हम दोनों जन ही लाइन लगा लेते हैं, पता नहीं अपना नंबर कब आएगा, ये लाइन तो हिल ही नहीं रही है। रुको रुको थोड़ा सब्र करो, चलो कम से कम एक जन तो गया, जल्दी से आगे बढ़ो। भागो भागो फटाफट भागो। अबे यार ये क्या, यहाँ पर भी लाइन है, आज बीच पर कुछ ज्यादा ही भीड़ है, इन सबको भी यही पर आके सुसु पॉटी करना है। घर पर नहीं कर सकते थे, इतना इंतजार करूंगा तो अंदर ही हो जाएगा। अबे यार अब तो पेट में गुदगुदी भी होने लगी है, क्या करूँ, किसी कोने में जाके कर लूँ क्या, मुझे लगता है यही ठीक रहेगा। ओ भाई यार ये किसने किया, एक मिनट ये मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, वो कौन है सामने। अबे नहीं यार ये मैं कहाँ पर पहुँच गया, और तुम कौन हो? ऐसे हो फ्रैंकलिन, मेरा नाम है विप्लैश, तुमने तो मेरे बारे में सुना ही होगा। एक मिनट, तुम तो आयरन मैन के दुश्मन हो ना, मुझे सच्ची सच्ची बताओ शिनचैन और चौप कहाँ पर है? ओ अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, तुम्हारे राइट साइड में एक स्क्रीन है, जरा उस पर नजर मारो। तुम कहना क्या चाहते हो, पता नहीं गाइस ये क्या दिखाएगा। जरा देखो तो सही, तुम्हारा भाई और तुम्हारा कुत्ता अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, पर इन बिचारों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि आज इनके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जरा आगे देखो, अपने आप समझ जाओगे, इनके आगे बस एक बंदा खड़ा है, जैसे ही इनकी काउंटर पर जाने की बारी आएगी, वहाँ डस्टबिन में रखा टाइम बॉम्ब अपने आप एक्टिव हो जाएगा, और वहाँ पर जो भी लोग हैं सबके चीथड़े उड़ जाएंगे। गाइस यार यहाँ पर तो सच्ची में बॉम्ब है, मुझे उनको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम चाहते क्या हो आखिर में, और ऐसा कर क्यों रहे हो? डरो मत, अगर तुम चाहो तो इन्हें बचा सकते हो, वो भी बस मेरा एक छोटा सा काम करके। काम? कैसा काम? और मैं ही मिला तुम्हें, और कोई नहीं था। मेरी नजर में एक तुम ही हो, जिसने बहुत बार आयरन मैन के सूट इस्तेमाल किए हैं। मेरे काम के लिए तुम एकदम परफेक्ट रहोगे। तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बता दो। मुझे बस खुद के लिए थोड़ा सामान और एक दो लोग लगेंगे। कैसा सामान, कौन लोग, तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे एक मशीन की तलाश है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। भूलो मत, मेरे रोबोट्स की नजर हमेशा तुम्हारे लोगों पर रहेगी, अगर तुमने मना किया तो वो दोनों मारे जाएंगे। अरे यार ये कैसा धर्म संकट है। अच्छा ठीक है मैं करने को रेडी हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। वहाँ पीछे एक मशीन है, उसके बीचों बीच जाकर खड़े हो जाओ। कौन सी मशीन ये? चलो गाइस जल्दी से जाके खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। ओ भाई ये क्या लगा पीछे से, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ओ भाई ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ऐसा लग रहा है मैं तो एक साइबॉग बन गया हूँ, ये क्या किया तुमने मेरे साथ। तुम एकदम सही समझ रहे हो, तुम एक साइबॉग बन चुके हो, जैसे जैसे बुरे काम करोगे इस सूट को अपग्रेड कर पाओगे। पर मुझे करना क्या है, मुझे बता तो दो। तुम बस यहाँ से निकलो, मेरे कुछ दोस्तों का तुम पर फोन आएगा, वो तुम्हें बता देंगे कि क्या करना है। अच्छा ठीक है, चलो गाइस यहाँ से चलते हैं, बहुत बड़ी मजबूरी है, अगर नहीं किया तो शिनचैन चौप मारे जाएंगे। ओहो भाई साहब यहाँ भी रोबोट्स की पहरेदारी है, मुझे तो लगा था हम दोनों अकेले। चलो अच्छा हुआ उसे मारने की ट्राई नहीं किया। अबे यार मुझे सीढ़ियों से जाना चाहिए था। हो गए भाई साहब, गई रेट की हड्डी।
फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से सीधे मिलिट्री बेस जाना है। अब तुम कौन हो? वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मिलिट्री बेस में एक बहुत ही खास मशीन रखी हुई है जो कि वहाँ के सीक्रेट चेम्बर या फिर बंकर में रखी होगी। तुम्हें उसे मेरे लिए चुराना होगा और मेरी दी हुई लोकेशन पर आना होगा। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। पता नहीं गाइस कौन सी मशीन होगी, पर अगर मिलिट्री बेस में तो हालत खराब होने वाली है अपनी। चलो फाइनली हम लोग पहुँच गए। ओहो भाई साहब, जरा सामने तो नजर मारो गाइस, गेट पर तो बहुत सारे गार्ड्स है, और अगर इनसे बच गए तो ऊपर एक चॉपर मंडरा रहा है। बाहर नजर रखने के लिए दो गार्ड यहाँ पर है, और अगर थोड़ा आगे बढ़ भी गया तो सामने देख लो, वो हमें सीधा शूट कर देगा। और इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ गाइस, ये तो चारों बाजू ही नजर रख रहा है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं सीधे अंदर नहीं जा सकता, वरना ये लोग मुझे गोलियों से भून देंगे। एक आइडिया है मेरे पास। देखो गाइस, हमें एक मिलिट्री व्हीकल की मदद से अंदर जाना होगा। कैसे भी करके उसके ऊपर चढ़ जाऊँ तो यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे सीधे वहाँ से राइट में, और फिर समझो हम लोग अंदर पहुँच गए। उसके बाद मैं देख लूंगा। चलो अभी जल्दी चलते रोड की तरफ, हमें नजर रखनी होगी। पहले काम करता हूँ, एक बॉम्ब फेंक देता हूँ वहाँ पर, ताकि अगर कोई व्हीकल आए तो धमाके से वहीं पर रुक जाए थोड़ी देर। और ये मैंने फेंक दिया। अबे यार ये क्या, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई, कहीं ये हमें देख ना ले, जल्दी से छुप जाते। हाँ चलो बच गए गाइस, वो नजदीक बढ़ रही है। और ये हुए धमाके। एक मिनट, ये धमाका कैसा था? रास्ता तो पूरा साफ था, फिर ये अचानक से कैसे हो गया है? गाइस वो शॉक में, हमारे पास यही मौका है, उसकी नजर सामने, हमें फटाफट रख के पीछे जाना होगा। देखो मैं अंदर भी नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि कड़ी चेकिंग हो सकती है, इसलिए मुझे मजबूरन नीचे से होकर ही जाना पड़ेगा। यहाँ बस मुझे एक पाइप मिल जाए, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर भी लटकने की जगह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी पीछे नहीं आना, थोड़ा सा टाइम दे दे। मुझे इसके बारे में अंदर इन्फॉर्म करना होगा, जल्दी से जाता हूँ। पक्का कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। गाइस इसे थोड़ा शक तो हो गया है, पर इसने हमें देखा नहीं है और अभी तो देख भी नहीं पाएगा। एकदम परफेक्ट जगह पकड़ी है मैंने, बस ये पाइप थोड़ा हाथ से फिसल रहा है। गिर ना जाओ यार बीच में, इतनी फटी पड़ी है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बस मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। हम लोग गेट के अंदर एंट्री मारने वाले। अबे नहीं, ये टर्न क्यों ले रहा है, हमें सीधा जाना था। ये क्या हो गया यार? हे, इस ट्रक के अंदर क्या है? ट्रक तो पूरी खाली है, पर बाहर अभी एक छोटा सा धमाका हुआ था, जरा उसके बारे में पता करो। अच्छा ठीक है, हम पता कर लेंगे, तुम आगे बढ़ो। गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमें मिलिट्री बेस के अंदर एंट्री मिली नहीं। ये ट्रक पता नहीं हमें कहाँ पर लेके जा रहा है यार, क्यों होता है ये सब मेरे साथ। चलो चलो कम से कम रुका तो सही। चलो मैं पहुँच गया हूँ, एक काम करता हूँ, जाके ऑयल का लेवल चेक कर लेता हूँ, आज बहुत काम पड़ा है। गाइस यही मौका है, फटाफट नीचे से बाहर आते हैं। ओ भाई बड़ा ही मेहनत का काम है। देखो गाइस वो इसी साइड गया था, वो रहा। सबसे पहले जाके तो इसको निपटाना होगा, वरना हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, और इसकी वजह से मैं अंदर भी नहीं जा पाया। ये ले। हाँ चलो, ये तो बेहोश हो गया। देखो अगर हमें मिलिट्री बेस में जाना है ना, तो इन पानी की टंकी के ऊपर से छलांग लगानी होगी। सबसे पहले ऊपर चढ़ के माहौल तो देख ले, रास्ता साफ भी है या नहीं है। अबे यार एक तो यही पर खड़ा है, जल्दी से जाके इसकी बैंड बजाते। ये ले, इसके वेपन्स ले लेता हूँ, ये हमारे काम आएंगे। तो गाइस इसके पास से हमें गन मिली है, थोड़े बहुत ग्रेनेड मिले और स्मोक बॉम्ब भी मिले। ओ जरा सामने देखो, एक और सोल्जर। देखो अगर यहाँ से गोली चलाऊंगा और अगर चूक गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे पास ही जाना होगा। चलो चलते हैं, क्योंकि अगर पास से चूकूंगा तो हाथ से भी मार सकता हूँ। और चाचा कैसे हो? बाय बाय। चलो ये तो निपट गए, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये आवाज कैसी थी? लगता है कोई मिलिट्री बेस में घुस गया है। सारे जवानों मेरी बात सुनो, तैनात हो जाओ, अंदर एक घुसपैठिया घुस चुका है, सब जगह नजर रखो। अभी नजर मारता हूँ, वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। गाइस यार गड़बड़ हो गई, टॉपर और भी ज्यादा एक्टिव हो गए। देख रहे हो कैसे मिलिट्री बेस पर नजर रखी जा रही है, अभी तो अंदर घुसना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। हमें कैसे भी करके इसके चेंबर तक पहुंचना होगा। ओ सामने देखो। ओ भाई साहब, हमें ढूंढने के लिए एक सेना की टुकड़ी भेज दी है। चलो वो लोग आगे बढ़ गए, फटाफट भागो भागो भागो, पहले यहाँ पर छुप के देखता हूँ। अबे यार जल्दी जाओ ना, इतना दिल धक धक हो रहा है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। अब सब बाजू नजर रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ओहो, अबे यार टैंकर भी। अब बताओ गाइस इससे कैसे बचे, एक के पीछे एक है, इनको तो देख के डर लग रहा है। सामने फौज खड़ी है, बाजू में टैंक है और ऊपर ये चॉपर। इससे पहले मुझे कोई देखे फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। ओ यहाँ पर छुपना होगा। चलो मुझे लगता है देखा तो नहीं। एक मिनट, अभी किसी के भागने की आवाज आई थी, लगता है वो घुसपैठिया हमारे आसपास ही है, जरा वहाँ पर देखो कौन है। गाइस लगता है इन्होंने हमें देख लिया। अब बारी है स्मोक बॉम्ब की, फटाफट फेंकते वहाँ पर, एक से काम नहीं चलेगा, दो चार फेंकने होंगे। चलो गैस फैल चुकी है, ये लोग अभी बेहोश हो जाएंगे। अबे यार एक तो बच गया, कोई नहीं इसको मैं लुढ़का दूंगा, और ये भी गया। अभी तो इसके वजह से सबको पता चल जाता कि मैं कहाँ पर हूँ। यहाँ पर भी एक खड़ा है गाइस, दबे पैर जाके, और ये गया। क्या बेहोश किया है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अबे नहीं, चेंबर के यहाँ पर तो दो लोग खड़े, इनका ध्यान भटकाना होगा, सीधे सामने जाके तो मार नहीं सकता। एक काम करता हूँ, उस साइड ग्रेनेड फेंकता हूँ ताकि इनका ध्यान उस साइड चला जाए।
और ये फटे। लगता है गलत जगह गिर गया। चलो कम से कम एक तो गया। अरे बाप रे, लगता है घुसपैठिया यहीं पर है, अभी जाता हूँ। गाइस वो हमें ढूंढने गया है, पर उसे क्या पता कि मैं तो उसके पीछे हूँ। अब इसकी बैंड बजेगी और ये गया भाई साहब, सीधा हेडशॉट। अब फटाफट चेंबर में घुसते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है ऊपर भी लोग होंगे, क्योंकि इन्हें पता तो चल चुका है कि कोई अंदर आया है। चुपके से देखते, देखा मेरा अंदाजा एकदम सही निकला, पर इनका भी इलाज है मेरे पास। फटाफट से फेंकता हूँ, एक और दो तीन और फेंक देता हूँ। अब धीरे धीरे यहाँ पर गैस बढ़ेगी और ये जगह पैक है, तो ये लोग जल्दी बेहोश हो जाएंगे। चलो चलो चलो, काम हो रहा है और फाइनली ये लोग गए। अब बारी है हीरो के एंट्री की। मैं तो बेहोश होने से रहा, मेरा सूट ही ऐसा डिजाइन किया हुआ है। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या यही वो मशीन है? हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से इसे लेके यहाँ से निकलो। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अब यार ये किसकी आवाज थी? ब्लैक ऑप्स भाई साहब, तुम इसे कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकते हो, अगर हाथ भी लगाया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। देखो मैं नहीं चाहता तुम फालतू में मुझसे उलझो, ये आखिरी वार्निंग है, खुद को सरेंडर कर दो। गाइस यार अब मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, तो फिर आ जाओ। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। पास मत आइए ले, और ये खा। अबे यार ये भाग क्यों रहा है? आ जाओ इस साइड आ जाओ, तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा मैं। एक मिनट, ये हमसे डर रहा है। गाइस हमने सूट पहना हुआ है, मैं भूल कैसे गया? तेरी तो ये ले, फालतू में टाइम वेस्ट करवाया, और ये खा। चलो इसका गेम तो खत्म। अबे यार मुझे वो मशीन लेके यहाँ से निकलना है, इससे पहले और भी ज्यादा सोल्जर आ जाए। चलो फटाफट लेते इसे, बहुत ज्यादा भारी है यार। ओ भाई साहब, ये तो सोचा था उससे भी ज्यादा भारी है, ऐसे तो यार वाट लग जाएगी बाहर जाते जाते। हेलो कमांड रूम, मेरी बात सुनो, वो घुसपैठिया यहाँ से मशीन लेकर भाग रहा है, उसे अभी नहीं रोका तो मशीन हमारे हाथ से चली जाएगी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। चलो गाइस जैसे तैसे करके मशीन को ट्रक के ऊपर चढ़ा लिया है, अब बारी है इसे यहाँ से लेकर जाने की। मेरी हालत खराब हो गई, इतनी सी मशीन के लिए पता नहीं कितने सोल्जर्स को मार दिया मैंने। ओ भाई साहब, अबे यार इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा टाइट फील्डिंग लगा दी है, माफ कर देना पर मेरी मजबूरी है। अबे यार पुलिस और फौज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, दूर हटो। सामने से आगे से पीछे से ऐसा लग रहा है कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब तो ऊपर चॉपर भी आ गए, ये तो मुश्किल होते ही जा रहा है। देख रहे हो आप लोग, लगता है पूरा डिपार्टमेंट ही मेरे पीछे लग गया है, जैसे तैसे करके इनको चकमा देना होगा। चलो बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया है, एक दो गाड़ियां ही हमारे पीछे। गाइस यार फाइनली हमने पीछा छुड़ा ही लिया, मुझे जल्दी बता दो कहां पर जाना है। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, उस ट्रक को वहां पर जाके खड़ा कर दो। अच्छा ठीक है। चलो गाइस लोकेशन तो यही थी, मुझे लगता है यहाँ से अंदर ही जाना है। चलो कम से कम पुलिस तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, उन्हें लग रहा होगा कि मैं भागी रहा हूँगा। ये लो काम हो गया, इस ट्रक को यही पर छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ। अरे पर किसी ने देख लिया तो, इतनी मुश्किल से लेकर आया हूँ। इसके आगे इसे कहाँ लेकर जाना है वो हमारा काम है, तुम्हारे अभी का काम यही पर पूरा होता है। अभी का मतलब? मतलब के मेरा काम। अबे यार क्या मुसीबत है, तुम्हारा ईविल मीटर बढ़ चुका है, तुम्हें जरूरत है एक अपग्रेड की। पता नहीं गाइस इस बार क्या मिलेगा। भाई साहब, अबे यार ये कैसे आयरन मैन का सूट है, इससे अच्छा तो वो साइबोग वाला सूट ही था, ये तो डेड आयरन मैन लग रहा है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें FBI के डिपार्टमेंट ऑफिस जाना होगा। अरे पर वो तो एक बिल्डिंग में ना। हाँ मुझे पता है, वहाँ पर एक आदमी है, तुम्हें उसे मेरे पास लेकर आना होगा। अब तुम वो कैसे करोगे, ये तुम पर है। अच्छा ठीक है यार गाइस, सबसे पहले वहाँ तक पहुँचे तो सही, ये गाड़ी ले लेता हूँ। अंकल जी प्लीज माफ कर देना पर इसकी जरूरत है मुझे। अरे यार वो तो डर के भाग गए, मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। देखो गाइस डिपार्टमेंट ऑफिस की जो बिल्डिंग है ना वो यही कहीं होनी चाहिए। वो रही वो, देखो अब इसके अंदर ही वो ऑफिस है। देखो इस हालत में तो ये लोग मुझे ऊपर जाने नहीं देंगे, मुझे कुछ और जुगाड़ ढूंढना होगा। सबसे पहले तो गाड़ी को रोकता हूँ। देखो यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, पर जरा ऊपर नजर मारो, ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है। अब मुझे नहीं पता इस सूट में आयरन मैन वाली पावर है भी या नहीं, पर हमें ट्राई करना होगा। तो गाइस यार जल्दी से लाइक कर दो। हो जा प्लीज हो जा। ओ भाई साहब हमारे बूस्टर चल रहे हैं, बस बीच में काम करना बंद ना हो जाए, थोड़ा और ऊपर थोड़ा और ऊपर। बस रुक जाओ, वो इसी मंजिल पर है, इसे पूरी तरीके से उड़ा दो। अच्छा ठीक है। चलो गाइस नसीब इसमें मिसाइल्स भी थी, मुझे इसे पूरी तरीके से उड़ाना होगा वरना मैं अंदर ही नहीं जा पाऊंगा। भाई साहब गाइस यार ये फ्लोर तो पूरा ही बर्बाद हो चुका है, बस जिसको मैं लेने आया वो मर ना गया हो। अब फटाफट अंदर जाते हैं। ओ आउच यार सामने कुछ दिखाई नहीं। अब बारी है ढूंढने की। पता नहीं गाइस क्या है, इस सूट में पक्का कुछ तो है जिसकी वजह से मुझे ये सब करने में थोड़ा मजा आने लगा है। यहाँ सामने एक दरवाजा है। हेलो, अबे यार मैंने तो इसे पूरा खंडर ही बना दिया है। चलो यहाँ पर आग कम है। ओ ये क्या, गैस पाइपलाइन फूटी है क्या? भागो भागो भागो, इससे पहले हमारी पुंगी बच जाए। कोई तो मिल जाओ यार। गाइस कुछ लोग दिख रहे, थोड़े ज्यादा ही दिख रहे। अब इसमें से वो बंदा कौन है जिसे मैं लेने आया हूँ, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? बेवकूफ उसका नाम लो। अरे तू बेवकूफ, मुझे उसका नाम ही नहीं पता। उसका नाम वेन चेंग है। दोस्तों शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप लोग में से वेन चेंग कौन है?
मेरा नाम वेन चेंग है, क्या तुम हमें बचाने आए हो? देखो बाकियों का तो पता नहीं, पर आपको तो बचा ही लूंगा क्योंकि आपको मेरे साथ चलना है। मैं अकेला नहीं आऊंगा, इन सबको भी लेकर चलो। इस बिल्डिंग में इन सबकी जान जा सकती है, ये डरे हुए है। देखो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, पर फिलहाल आप मेरे साथ चलो। नहीं, फिर मुझे माफ कर दो, ये लो। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इन्हें बेहोशी करना पड़ा। चलो गाइस अब इन्हें लेके यहाँ से बाहर निकलते हैं। हमें फिर से आग के बीच में से होकर जाना होगा या नीचे वाले फ्लोर से। और ये अबे यार क्या गर्मी है। अब जाके थोड़ी शांति हुई, बस ये ऊपर से नीचे ना गिर जाए। फटाफट पहुंचता हूँ लोकेशन पर। अबे यार ये किस खंडर में आ गया हूँ मैं, कोई है यहाँ पर? ओह मुझे लगता है वही दीदी है जिसने मुझे ये काम दिया था। अबे यार यहाँ तो पूरा सेटअप बना हुआ है, हवा में मशीन लटक रही है। एक मिनट, ये मशीन तो मैं लेकर आया था ना। तुमने एकदम सही पहचाना, अब इसे यही पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारा आदमी। वैसे एक बात बताओ, इस मशीन और इस आदमी का करने क्या वाले हो तुम? इस मशीन की मदद से न्यूक्लियर मिसाइल का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, पर इसके जो सीक्रेट कोड थे वो डिपार्टमेंट के एक ही बंदे को पता थे, और वो ये है जिसे तुम यहाँ पर लेकर आए हो। अब ये इस मशीन को अनलॉक करेगा और इसका कंट्रोल हमारे हाथ में देगा। ओके, इसका मतलब मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। भूल जाओ, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। देखो चचा, आपका नाम बड़ा ही अजीब है, पर मेरी राय मानो तो फिलहाल जो बोल रहे ना ये लोग वो कर दो, वरना जान से जाओगे। ये मेरी मजबूरी होगी, पर मेरी बात को समझने की कोशिश करो, दुनिया खतरे में आ जाएगी। हाँ मुझे पता है, आप फिलहाल के लिए कर लो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, पर जो करना जल्दी करना, मैं इनके हाथ में ये सब नहीं देना चाहता। देखो तुम लोग बहुत गलत काम कर रहे हो, एक बार मौका मिला ना तो तुम लोग बचोगे नहीं। मौका तो मिलेगा क्योंकि तुम्हारा इविल मीटर बढ़ चुका है, अब बारी है अपग्रेड की। पता नहीं गाइस इस बार क्या मिलेगा। ओ भाई साहब, एक व्हाइट आयरन मैन, और ये सूट तो काफी डेडली लग रहा है। अब बताओ आगे क्या करना है? वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गाइस मैंने इनके हाथ में बहुत ही खतरनाक मशीन दे दी है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा एक दोस्त मेरे काम को रोकने निकला है, तुम्हें जाके उसे रोकना होगा। कौन सा काम? वही काम जो मेरे रोबोट्स कर रहे हैं। मैं उसके बारे में तुम्हें बता नहीं सकता, पर अगर उसने मेरे रोबोट्स को मार दिया तो काम अधूरा छूट जाएगा। अच्छा ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ, लोकेशन भेजो। मने लागे आई जगह छे, फटाफट उतरी जाओ। अरे बाप रे आ जगह तो बहुत मोटी छे, खबर नहीं रोबोट क्या से आनी तो मुँह, जरा जो तो सही, अया तो बहुत सारा रोबोट छे। ओई 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 ओई, पूरी जगह रोबोट से भरी हुई है। या अपन रोबोट, रोबोट नी सेना छे या तो, आ रोबोट काम करे छे, पाकू कोई तो गांडा गोल छे या पर, मने बधु रोकनू पड़से। तारी तो मुँह या आखा, तारा तो मुँह ढोकला काढ़ी देस, तू पण गयो, छोड़ बंदूक छोड़। हाँ नहीं तो गाइस यार पता नहीं कौन होगा, उसने कहा था मेरा ही दोस्त है, बस उसने गड़बड़ करना दी हो। फटाफट जाके देखते है। एक मिनट, ये क्या विजन? अबे यार इसने तो बहुत सारे रोबोट्स मार दिए पहले ही, मुझे इसे तुरंत रोकना होगा। विजन मेरी बात सुन, यही रुक जा। एक मिनट, आवाज तो सांभड़ेली लगे छे, पूछे आयरन मैन? मैं आयरन मैन नहीं हूँ, फ्रैंकलिन हूँ। अब मेरी बात सुन। अरे मारे काय नहीं हमड़वानो, तू मारी मदद कर, या बहु बदा रोबोट छे। हाँ पर मैं उन्हें नहीं तुम्हें रोकने आया हूँ, प्लीज रुक जाओ वरना मुझे तुम्हें मारना होगा। मन नहीं लगतू तू फ्रैंकलिन छे, तू एक बेरूपियो छे, आ खा ने आ ले। अबे यार इसको तो लग रहा मैं कोई और ही हूँ। रुक जा विजन यार, मुझे मजबूर मत कर। भाई साहब मुझसे रहा ही नहीं गया। देखो कैसे भी करके इसको बेहोश करना होगा, ये मेरे काम के बीच में आ सकता है, मैं इसे पूरी तरीके से मार भी नहीं सकता, ये मेरा दोस्त है। फटाफट इसे मौका नहीं देना है। तेरी तो ये ले, तने मु छोड़िस नहीं, फिलहाल तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, भागना मना है। अबे नहीं, ये रोबोट्स के पास चला गया। हाँ चलो दूर हुआ, ये ले और ये खा। अबे नहीं बच गए, तेरी तो ये ले और ये खा। चलो ये कमजोर तो पड़ गया गाइस, इसे मैंने ज्यादा मारने नहीं दिया। अब जरा इसे फेंकते झटके से और जा। अब तो तू गया। अबे यार फिर से उठ गया, दम तो है इसमें। तेरी तो ये ले। चलो गाइस मुझे लगता है कि मैंने इसे बेहोश तो कर दिया है, अब रोबोट्स अपना काम कर सकते हैं। एक मिनट, ये तो वही है ना जो हमें ऑर्डर दे रहा था? हाँ तुम एकदम सही समझ रहे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, ये सब क्या चल रहा है? ये वही न्यूक्लियर मिसाइल है जिसकी मशीन कंट्रोलर और उसे चलाने वाला तुमने ला कर दिया था। ओ भाई साहब इतनी बड़ी मिसाइल, तो तुम्हें क्या लगा बच्चों के खेलने का खिलौना है? गाइस यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं। जरा इस मशीन को देखो तो सही, एक बार ये पूरी हो जाए उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, सिर्फ रोबोट्स की ही सेना होगी। ठीक है, मुझे आगे जानना नहीं है तुम लोग क्या करने वाले हो, फिलहाल तो तुम तैयार हो जाओ, जरा अपना इविल मीटर देखो। गाइस फिर से एक अपग्रेड मिलने वाला है, पता नहीं इस बार
क्या होगा। ओ ये क्या है, बड़ा ही अजीब सा सूट है गाइस। अब जाओ यहाँ से, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अब मैं समझा गाइस, सबसे पहले इन लोगों ने न्यूक्लियर मिसाइल अपने कब्जे में की, पर ये लोग तो इसको चला ही नहीं सकते थे क्योंकि ये कंट्रोल उस मशीन से ही होती है। अब वो मशीन भी इन्होंने ले ली, पर मशीन के कोड दूसरे के पास थे और उसे चलाना भी दूसरे को ही आता था, इसलिए उस आदमी को इन्होंने किडनैप करवाया। ये लोग बहुत बड़ी प्लानिंग में। तो गाइस यार मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। पहला सुपर विलन कौन था जिसने हमें वो मशीन लाने का काम दिया था? क्या आगे जाके विप्लैश कामयाब होगा, और अगर हो गया तो कितनी बड़ी गड़बड़ होगी? तो अगर आपको भी ये सब जानना है तो जल्दी से कमेंट करो पार्ट 2।